Firstly, Sherling, congratulations. You are now the official part of MJ family. आपकी नई गाड़ी आएगी, क्या कुछ कहना चाहोगे? नई जर्नी की शुरुआत हो रही है एक नई गाड़ी से. What would you like to say? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि पिछले साल 8 मार्च के दिन मैंने टोयोटा लेजेंडर खरीदी और इस साल मार्च के महीने में, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं MG Roadster खरीद रही हूँ. तो मार्च का महीना मेरे लिए बहुत ही लकी रहा है एंड आई कांट वेट टू सी व्हाट द नेक्स्ट ईयर हैज इन स्टोर फॉर मी. हाल ही में राखी सावंत की एक्टिंग और डांस अकेडमी का लॉन्च हुआ और उसके लिए मैं राखी को तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ. हमने बहुत ज़्यादा खिटपिट की, लड़ाई की, झगड़े की एक दूसरे के साथ और अब मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हम अपनी ज़िंदगी पर, अपने करियर पर फोकस करें. देखिए, हमारी जो लड़ाई इंसाफ के लिए, अपने हक के लिए चल रही है, वो तो जारी रहेगी निश्चित रूप से. लेकिन ये जो हम आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे थे वो हमने बंद कर दिया है क्योंकि उसका कोई फ़ायदा है नहीं. मेरी कभी राखी के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, ना ही कोई जाती रंजिश थी. तो मैंने कई बार राखी से ये कहा कि हम एक दूसरे के साथ खिटपिट ना करके उन तमाम लोगों के साथ लड़ाई करेंगे जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं, जो महिलाओं का शोषण करते हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से. और हम मिलकर उन तमाम ज़रूरतमंद महिलाओं की आवाज़ बनेंगे जो खुद के लिए लड़ नहीं पाती हैं. देखिए, आमतौर पर मानसिक तनाव से जब कोई इंसान जूझ रहा होता है तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं कोई गलत कदम उठाने लगता है. लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं, महिलाएं हैं, जो मानसिक तनाव से जूझते हुए जिंदगी में आगे बढ़ती हैं या आगे बढ़ने की चाहत रखती हैं. तो उन महिलाओं को मैं सलाम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम सब एक दूसरे के लिए हिम्मत और हौसले का सहारा बने. हम एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी दें, सकारात्मक ऊर्जा दें और इसी सोच से, संकल्प से मैं और राखी जुड़े हैं. और हमने ये तय किया कि मेरा जो NGO है प्रकाशन फाउंडेशन, उसके साथ जुड़कर हम दुनिया के, खासतौर पर भारत के तमाम ज़रूरतमंद बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करें. एंड जिस तरह आप लोगों की दोस्ती हुई, सबसे बड़ा सवाल, जैसे आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, मैंने कई बार आपसे वो सवाल पूछा और लोगों के मन में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों के मन में एक सवाल था कि जो केस आपने राखी सावंत पे किया है, उस केस को आप वापस लेने वाले हो, उसकी ईयरिंग भी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो केस को लेकर एक बड़ा सवाल उठता है कि आपका वो केस सेटल्ड हो गया है या फिर वो केस कंटिन्यू कर पाओगे? जी, मेरी बात हुई अपने वकील से इस विषय पर और उन्होंने कहा कि जब कभी तारीख आएगी तब वो जाकर बात करेंगे. एंड केस रिटर्न ले लेगी या फिर कोई सेटलमेंट हो जाएगा, तो क्या होगा? जी, जब कभी तारीख आएगी वो कोर्ट जाएंगे उस दिन और कोर्ट में जाकर अपनी बात करेंगे. शर्लिन, आपसे सवाल पूछूंगा, जो जिस तरह आपकी जर्नी मैंने देखी है, कई बार उतार चढ़ाव वाली रही है, साजिद जी का मीटू हुआ था, मूवमेंट हुआ इस, और जिस तरह साजिद खान का, जी एग्जैक्टली, साजिद के नाम के आगे जी लगाने की कोई जरूरत नहीं है. साजिद खान का मीटू, पता है ना? यस, कि वो आरोपी है. हाँ, मीटू मूवमेंट हो एंड आज एक नई शुरुआत हो रही है. किस तरह से आप देख रहे हो अपने करियर की जर्नी, बीइंग एन आउटसाइडर, पीपल रियली लव्स यू, जितने भी आपने काम किया बॉलीवुड में काफ़ी सराहा जाता है, आज से आपकी नई जर्नी शुरुआत हो रही है, तो किस तरह से आप देख रहे हो इस जर्नी को आपकी? देखिए, हर दिन मेरे लिए एक नई शुरुआत है. कहते हैं जब जागो तब सवेरा, हर सवेरे हम जागते हैं, हर सवेरे एक नई शुरुआत होती है. और मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आई मी माई सेल्फ, इस मोटो के साथ मैं ना जीऊँ. मैं जीना चाह रही हूँ अपने देश के लिए, उन तमाम ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती हैं अपने हक की लड़ाई के लिए. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड ही मेरी दुनिया है, बिल्कुल नहीं. बॉलीवुड से बढ़कर एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें आम लोग जीते हैं,
जिसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हम जूझते हैं, और मैं चाहती हूँ कि रियल लाइफ में जीकर, रियल लोगों के साथ जीकर मैं आगे बढ़ूँ. जैसे मैंने ये एनजीओ की शुरुआत की, प्रकाशन फाउंडेशन, वैसे मैं और भी बहुत कुछ करना चाह रही हूँ समाज के लिए. देखिए, इंडस्ट्री में ऐसे कई जूनियर आर्टिस्ट्स हैं जो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं. उन्हें जब काम नहीं मिलता है तो घर का रेंट देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और रोज़ी रोटी के लिए जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आमतौर पर जीना. तो ऐसे में उन्हें हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है, उन्हें काम की तलाश होती है. तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? तो मैं चाह रही हूँ कि कुछ एनजीओज़ के साथ जुड़कर, न केवल अपने एनजीओ के साथ बल्कि अन्य एनजीओज़ के साथ भी जुड़कर, मैं उन ज़रूरतमंद आर्टिस्ट के लिए कुछ करूँ और उन्हें बताऊँ, समझाऊँ कि देखिए, अगर हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं तो ज़िंदगी आसान लगने लगती है. ये प्रैक्टिकल बात है. अगर हम व्हाट्सएप पर एक कम्युनिटी शुरू करते हैं और रोज़ आप, मैं, हम सब एक दूसरे को पॉजिटिव रिमाइंडर्स दें, यू नो, ऑल इज़ वेल, गॉड इज़ ग्रेट, हम आपके साथ हैं, आप बताइए क्या परेशानी है आपकी, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, तो आपको लगने लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं, आप एक कम्युनिटी के साथ हैं, आप एक समाज का हिस्सा हैं, एक कम्युनिटी के साथ हैं. तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग है, पॉजिटिव फीलिंग है. तो मैं चाह रही हूँ कि ऐसा कुछ पॉजिटिव काम करूँ हर दिन, कभी कभी नहीं, हर दिन निरंतर रूप से. थैंक यू.